वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई, तो भैया तो फिर यूपी और बिहार पर भी मतलब उनको ये पता नहीं रहता। देखो चन्नी साहब मोहम्मद सदीक इस तरफ खड़े हैं, नवजोत सिंह सिद्धू इस तरफ खड़े हैं, सिद्धू मूसेवाला उसके, और चन्नी साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेज चलाना और स्टेज चलाना बहुत डिफरेंट बात होती है, भगवंत मान जी नहीं कर सकता। जो उनके लेफ्ट में खड़े हैं मोहम्मद सदीक, वो क्या मेघालय के गवर्नर रहे हैं? वो अभी तक स्टेज करते हैं, मैं तो स्टेज छोड़ चुका हूँ 7 साल से। नवजोत सिद्धू स्टेज है, सिद्धू मूसेवाला स्टेज है, मतलब इनको ये हिल गए हैं भाई साहब, क्या करें। मुझे तो लगता है हमें बाकी के काम, बेरोजगारी, खेती, ये तो ठीक करनी करनी है। एक इंडिया का पहला सरकारी पागलखाना भी खुलवाना पड़ेगा, इनको वहाँ रखना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हैं ये। चन्नी जी, आपने जो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए अभद्र भाषा प्रयोग किया है, मैं मनोज तिवारी उसकी निंदा करता हूँ, और इसकी निंदा पंजाब के लोग भी करेंगे, पूरे देश के लोग करेंगे। पंजाब संतों की, गुरुओं की, पीर पैगंबरों की धरती है, और पंजाबी हमेशा से हिंदू सिख भाईचारा को अपने दिल में बसा के रखते हैं, उसी को सजा के रखते हैं। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली है चन्नी जी, और हर पूर्वांचली पंजाब को प्यार करता है, अपने दिल में बसा के रखता है। लेकिन आपकी इस छोटी सोच के बाद एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका दीदी आपकी कैसे प्रचार करेंगी, कैसे उत्तर प्रदेश से वोट मांगेंगी? ये कांग्रेस की वही पुरानी मुगलों वाली सोच है कि फूट डालो और शासन करो। चन्नी जी, ये आपकी अभद्र भाषा ये पंजाब और पंजाबियों की नहीं हो सकती है। पंजाब तो हमेशा कहता है जी आया नु, और आपकी इस अभद्र भाषा जो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए आपने बोला है, मैं फिर से आ रहा हूं पंजाब में, और पंजाब के हर पिंड पिंड जाऊंगा, पंजाब के हर शहर शहर जाऊंगा, और आप हमें पंजाब में प्रचार करने से नहीं रोक सकते। अपनी फ्रस्ट्रेशन के बाद आप उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों को गाली तो नहीं दे सकते यार।